आपका हमारे चैनल ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन पर। हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अर्जेंटीना के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अर्जेंटीना फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन देश है जो 8th लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड का 8वां बड़ा देश है। भारत के बाद अर्जेंटीना है क्योंकि भारत का नंबर है 7th, इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और अर्जेंटीना है 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अर्जेंटीना का जो राजधानी है, कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, और राजधानी अर्जेंटीना का जो पॉपुलेशन है करीब 4,43,00,000, और उनमें से करीब 300 इंडियंस अर्जेंटीना में फिलहाल रह रहे हैं। काफी सारे लोग जो है वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उनका सुपरमार्केट से उनका दुकान है, काफी सारे बिजनेस कर रहे हैं, काफी सारे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, वहाँ बस गए हैं अर्जेंटीना में। सो अर्जेंटीना का जो इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ अमेरिका, ब्राजील पहला है और सेकेंड है अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना काफी सारे प्रोडक्ट बनाता है, प्रोड्यूस करते हैं, और काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और ज्यादा करके जो उनका इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। काफी सारे प्रोडक्ट अर्जेंटीना मैन्युफैक्चर करता है और ग्रो करता है। सो अर्जेंटीना का आज बात करेंगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में बात करेंगे, और उनका प्रोसेस क्या है, और अर्जेंटीना का पोर्ट से, उनका जो एयरपोर्ट से, उनका सी पोर्ट से, उसके बारे में बात करेंगे, और अर्जेंटीना का कौन से सारे कंपनीज, कितने सारे कंपनीज है जो इंडिया से और वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करते रहते हैं उस बारे में बात करेंगे। सो अर्जेंटीना का जो नेबरिंग कंट्रीज है, बोलीविया है, चिले, ब्राजील, उरुग्वे, पेरुग्वे, और काफी सारे कंट्रीज है नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ पार्ट में लोकेटेड है, और ये सब कंट्रीज जो है, और ईस्टर्न पार्ट में अटलांटिक सी है। सो काफी सारे पोर्ट्स है, काफी सारे सी पोर्ट्स है जो अर्जेंटीना में लोकेटेड है। सो इसीलिए अर्जेंटीना को जो उनका जो सी पोर्ट की वजह से अर्जेंटीना काफी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं और इम्पोर्ट करते रहते हैं। तभी बात करेंगे, उनका लैंग्वेज है स्पेनिश लैंग्वेज है, और काफी इंग्लिश काफी कम लोग वहाँ समझते हैं, और पहले स्पेन का, अर्जेंटीना स्पेन का कॉलोनी था, इसीलिए अर्जेंटीना का जो लैंग्वेज है स्पेनिश लैंग्वेज है। और आपको बता दिया 300 इंडियंस वहाँ रह रहे हैं फिलहाल, काफी सारे अर्जेंटीना में शादी करके वहीं बस गए हैं, और करीब 212,000 एशियन लोग वहाँ बस गए हैं, एशिया से गए हैं, करीब चाइना से है, इंडिया से है, बाकी सारे ईस्ट एशियन कंट्री से जाके अर्जेंटीना में बस गए हैं। सो इंडियंस का जो नंबर है 300 इंडियंस है, और करीब 212,000 एशियंस है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंडियंस और एशियन का जो हमारा रहन सहन, खाना पीना, कपड़े वगैरह सिमिलर है, जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इजी होगा, और आपको क्योंकि जितना सारा प्रोडक्ट आप इंडिया से आप एक्सपोर्ट करोगे, ज्यादा करके उन सुपरमार्केट में अर्जेंटीना के सुपरमार्केट में वो बेचेंगे, और इन एशियन लोग जो है वहाँ रहते हैं वो खरीदेंगे। इसीलिए हम हमेशा हर वीडियो में आपको समझाते हैं, बताते हैं कि कितने सारे इंडियंस वहाँ रहते हैं और कितने सारे एशियन लोग वहाँ रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे कि अर्जेंटीना का पोर्ट्स के बारे में, अर्जेंटीना का एयरपोर्ट्स के बारे में। तो कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं और कितने सारे पोर्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है एक्सपोर्ट के लिए, हम बताएंगे। तो देखिए कितने सारे सी पोर्ट्स हैं अर्जेंटीना में, आप देख सकते हैं। सो अर्जेंटीना का जो पोर्ट्स है, तो मेजर सी पोर्ट्स है ब्यूनस आयर्स में है, बाहिया ब्लांका, ला प्लाटा, देख लीजिए जितने सारे पोर्ट्स है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सी पोर्ट्स है और कुछ रिवर पोर्ट्स है, और उनका जो एयरपोर्ट्स है अर्जेंटीना का जो एयरपोर्ट्स है, काफी सारे एयरपोर्ट्स है अर्जेंटीना में, 32 एयरपोर्ट्स है। ब्यूनस आयर्स मिनिस्ट्रो एयरपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, बाकी सारे जो एयरपोर्ट, जितने सारे एयरपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ आयटा कोड के साथ, ये सब अर्जेंटीना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। सो आपको मैंने जो दिखाया सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स ऑफ अर्जेंटीना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंडिया से
कोई भी पोर्ट से या कोई भी एयरपोर्ट से अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पहला अर्जेंटीना का एयरपोर्ट सी पोर्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। इसीलिए जैसे कि आप बॉम्बे से या गुजरात से कोई भी पोर्ट से अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो अर्जेंटीना में कौन सा सी पोर्ट में आपको भेजोगे और कौन सा एयरपोर्ट में आप भेजोगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा सी पोर्ट के बारे में बताता हूँ और एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ और हमेशा आपको बताता हूँ जो gogoport.com है उसमें से आप सी पोर्ट और कंटेनर वगैरह बुक कर सकते हैं। gogoport.com कंटेनर्स आप बुक कर सकते हैं और उनका प्राइस जो है सी पोर्ट सी कार्गो का प्राइस आपको मालूम पड़ जाएगा। और काफ़ी सारे एयरलाइंस अर्जेंटीना जाता है इंडिया से, जैसा कि एयर इंडिया भी जाती है और काफ़ी सारे जो डायरेक्ट तो नहीं जाती है एयर इंडिया, काफ़ी सारे जो फॉरेन एयरलाइंस जाती है जैसा कि इतिहाद एयरलाइंस है और बाकी जो अमेरिकन एयरलाइंस काफ़ी सारे इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू ब्यूनस आयर्स जाती है तो उसका कार्गो आप चेक कर सकते हैं। जितने सारे एयरलाइंस जाती है इंडिया से उसका जो नेम्स वगैरह मैं नीचे दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे द टॉप प्रोडक्ट अर्जेंटीना जो वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है वो बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं द टॉप प्रोडक्ट अर्जेंटीना इम्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। सो व्हाट आर द टॉप प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट है मशीनरी, कंप्यूटर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी, व्हीकल्स, मिनरल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल सीड्स, ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल अपैरेटस, केमिकल गुड्स, नेचुरल गैस। सो ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये टॉप प्रोडक्ट है जो अर्जेंटीना वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है। सो ये आपको दिखा दिया मैंने अर्जेंटीना जो टॉप, क्योंकि अर्जेंटीना काफ़ी सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, ग्रो करता है और एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। और ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाया ये मेन प्रोडक्ट है जो अर्जेंटीना इंपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। अभी हम बात करेंगे इंडिया क्या प्रोडक्ट अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करता है आप देख सकते हैं। सो द टॉप प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू अर्जेंटीना जो है आप देख सकते हैं, फेरोलोइस, फेरोमैंगनीज, तो वुमेन और गर्ल्स का जो ड्रेसेस वगैरह जो है सूट और जैकेट ब्लेजर जो ड्रेसेस वगैरह आप देख सकते हैं गारमेंट्स में आता है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंथेटिक, मोटरसाइकिल्स, जितना आप देख सकते हैं ये मेन प्रोडक्ट है इंडिया का, इंडिया का जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है आप देख सकते हैं, बेड लिनन। तो जितने सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया और काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना। तो मैं क्या करूंगा आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में पूरी जितने सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करते रहते हैं पूरी प्रोडक्ट को लिस्ट में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको मालूम पड़े क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से जाता है। क्योंकि जितने सारे प्रोडक्ट इंडिया का जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते रहते हैं अर्जेंटीना उसका लिस्ट आपको भेज दूँ, ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में हमेशा चेक करिए कि क्या क्या प्रोडक्ट आप इंडिया एक्सपोर्ट करता रहता है, इसीलिए आपको मालूम पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट अर्जेंटीना इंपोर्ट करता है इंडिया से, तो उस हिसाब से आप तैयार हो जाओगे अर्जेंटीना एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी हम बात करेंगे कि अर्जेंटीना में वो कौन सा बायर से, होलसेलर से, ट्रेडिंग कंपनीज है जो वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करते रहते हैं। द लिस्ट ऑफ बायर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, इम्पोर्टर्स ऑफ अर्जेंटीना जो इंडिया या वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करते रहते हैं, कुछ कंपनीज का नाम मैं आपको दिखा रहा हूं। सो अर्जेंटीना वाइन्स, डिया अर्जेंटीना सा, कोटो, डिया अर्जेंटीना। सो ये जो है आपको दिखा रहा हूं काफी सारे ट्रेडिंग कंपनीज है या काफी सारे ट्रेडिंग कंपनीज है, काफी सारे होलसेल मार्केट है, सुपर मार्केट से, और काफी सारे इम्पोर्टर्स है। ये बहुत जरूरी है। आप क्या करिए, इतने सारे आपको दिखा रहा हूँ, इतने सारे जो जितने सारे लिस्ट ऑफ कंपनीज इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स ऑफ अर्जेंटीना पूरी लिस्ट को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप क्या करिए पूरी लिस्ट को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर आप वन बाय वन गूगल में सर्च करके उन कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट। ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से कंपनीज अर्जेंटीना में है जो इम्पोर्ट करते रहते हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे द लिस्ट ऑफ बिजनेस डायरेक्टरीज जो अर्जेंटीना का जो येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, बी टू बी
पोर्टल से जहां पर आप अर्जेंटाइन एक्सपोर्टर को इंपोर्टर्स को आप खोज सके। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, सो द लिस्ट ऑफ एक्सपो साइट्स, लिस्ट ऑफ ट्रेड पोर्टल्स, लिस्ट ऑफ येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। सो ये है, आप देख सकते हैं yellowpages.ar, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका कंपनी, directory.banponis.org, whitepages.com.ar, येलो पेजेस। ये है कुछ लिस्ट है, ये कुछ लिस्ट है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारे साइट है ट्रेड पोर्टल से, B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से, बहुत सारे साइट है साइट से अर्जेंटीना का। तो हमने इन साइट को, इन वेबसाइट्स को इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन मेड कर लेता हूं, आप क्या करिए कॉपी पेस्ट करके ले लीजिए साइट को, लॉगिन करके आप हर साइट में लॉगिन करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, फिर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड करके, प्राइस ऐड करके, फोटो ऐड करके आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले करिए, ऐड कर लीजिए, ताकि अर्जेंटीना में जब इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ट्रेडर्स सर्च करेंगे तो आपको आपका कंपनी उनको दिखाई दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर साइट में आपको रजिस्टर करना है और आपका कंपनी को ऐड करना है। और काफी सारे जो साइट में आपको अर्जेंटीना का और बहुत सारे ट्रेडर्स एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स और जो होलसेलिंग कंपनीज है उनको मिल जाएगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स मैं आपको बता दिया। और अर्जेंटीना का जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स में काफी सारे एक्सपो होता रहता है। अगर अर्जेंटीना आपका टारगेटेड कंट्री है तो आप अर्जेंटीना विजिट कर सकते हैं और अर्जेंटीना में जाके आप एक्सपो में भाग ले सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप एक्सपो में जाके विजिट करके देख सकते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश काफी लोग नहीं बोलते, इंग्लिश ज्यादा नहीं चलता है, ज्यादा करके लोग स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपको दिक्कत आ जाएगी लैंग्वेज में। सो जब आप अर्जेंटीना जाओगे तो आप वहाँ कोई ट्रांसलेटर ले सकते हैं जो आपको वहाँ बिजनेस मार्केटिंग में आपको मदद कर सके। तो आप अर्जेंटीना अगर आप एज ए विजिटर, एज एन बिजनेसमैन और एज एन एक्सपोर्टर होके जाना चाहते हो तो अर्जेंटीना का जो वीजा है, आप अर्जेंटीना का जो एम्बेसी दिल्ली में है आप जाके वीजा ले सकते हैं। बिजनेस वीजा $200 है और उनका जो टूरिस्ट वीजा $150 उनका प्राइस है। अगर आपके पास अमेरिका कनाडा का वीजा है, वैलिड वीजा है, कोई भी वीजा है, फिर आपको अर्जेंटीना का जो ई वीजा, ऑनलाइन वीजा आप ले सकते हैं अर्जेंटीना का। तो ये थी कुछ डिटेल्स हाउ टू एक्सपोर्ट टू अर्जेंटीना। हमेशा आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हो हमेशा आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका वेबसाइट को अच्छा वेबसाइट बनाइए, आपका वेबसाइट को अच्छा बड़ा वेबसाइट बनाइए, जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के जैसे आप बनाइए, जैसा कि बड़ा जैसा कि आपका अमेजन टाइप का, amazon.in, amazon.com ऐसा बड़ा साइट बनाइए, ताकि आपका प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का फोटोज प्राइस वगैरह आप ऐड कर सके। आपका ब्लॉग आप लिख सकते हैं, उसमें स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, ताकि जो इम्पोर्टर्स है उनको आपका प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा मालूम हो और आपको ऑनलाइन में वो पे कर सके। क्योंकि पहले ऐसा था कि आप जब कम्युनिकेट करते थे कंपनी के साथ तो वो आपको ईमेल भेजते थे कि आपको सैंपल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया, इंस्टेंटली वो आपका प्रोडक्ट देखेगा इंपोर्टर्स, अगर उनको पसंद आया, एक दो प्रोडक्ट ऑनलाइन में पे करके आपसे ले सकता है, अगर उनको पसंद आया वो ज़्यादा ऑर्डर बल्क में दे सकता है। इसीलिए आपका जो वेबसाइट, बड़ा वेबसाइट बनाइए एज ए कॉमर्स वेबसाइट, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ज़्यादा अनलिमिटेड फोटोज, अनलिमिटेड वीडियोज, अनलिमिटेड आपका जो ब्लॉग्स, अनलिमिटेड प्रोडक्ट फोटो के साथ प्राइस लिस्ट वगैरह ऐड कर लीजिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कंपनीज इंपोर्टर्स बायर्स वो इजीली आपका कंपनी से बाय कर सके ऑनलाइन में और आपको बल्क ऑर्डर दे सके। ये थी हमारा एक डिटेल्स अर्जेंटीना के बारे में। और जितने सारे वेबसाइट एक्सपो का वेबसाइट, B2B पोर्टल्स, येलो पेजेस वगैरह और कंपनी का लिस्ट मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी पेस्ट करके उन कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए। और मोर डिटेल्स आप हमारा वेबसाइट में जा सकते हैं जो नीचे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और हमारा कंपनी ट्यूबरेज कॉरपोरेशन एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कंपनी है। सो अगर आपको हमारा सर्विसेज का ज़रूरत है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।